जितने भी पेशेंट होते हैं ज़्यादातर वो डिमेंशिया के होते हैं या फिर अल्जाइमर्स के होते हैं, जितने भी मेंटल थोड़ी मेंटल कंडीशंस हैं जो कि एबनॉर्मलिटीज़ हैं उनके ज़्यादा पेशेंट होते हैं, या फिर थोड़े एल्डरली होते हैं जो कि खुद का ध्यान नहीं रख पाते या फिर खुद की केयर नहीं कर पाते हैं, जो भी डिपेंडेंट ज़्यादातर पेशेंट्स होते हैं वो ही केयर होम के अंदर होते हैं। हेलो, हाँ जी नमस्कार, मेरा नाम है संदीप चौहान, आप देख रहे हैं चौहान यूके वाइब्स। तो इस वाली वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो केयर होम होते हैं उसके अंदर जो ड्यूटीज़ होती हैं हमारी, उसके अंदर आपकी क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, क्या क्या आपको काम करना पड़ता है। और मैं आपको एक वीडियो में आपको केयर होम भी दिखाऊंगा, जो मेडिसिन ट्रॉली वगैरह होती है, हम लोग कैसे मेडिसिन डिस्पेंड करते हैं, सारी चीज़ें। तो इस वाली वीडियो में हम लोग रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो जैसे कि जो केयर होम होते हैं, टोटल केयर होम दो टाइप के होते हैं, एक रेजिडेंशियल होम होते हैं और एक नर्सिंग होम होते हैं। पर किसी किसी केयर होम के अंदर नर्सिंग के पेशेंट्स भी होते हैं और रेजिडेंशियल पेशेंट भी होते हैं। तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो ये है कि जो नर्सिंग के जो पेशेंट होते हैं उसके अंदर जो नर्सिंग की नीड्स होती हैं, जैसे कि पेशेंट एनजी ट्यूब के ऊपर भी होता है, पैग फीट के ऊपर भी होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। पर जो रेजिडेंट्स होते हैं वो नॉर्मली होते हैं और सेल्फ मोबाइल होते हैं, सेल्फ केयरिंग होते हैं ज़्यादातर जो लोग होते हैं वहाँ पे, उसको उन लोगों को ज़्यादा नर्सिंग की नीड नहीं होती है। तो अगर आप ड्यूटी करते हैं तो जो रेजिडेंशियल होम होते हैं उसके अंदर जो ड्यूटी होती है वो काफ़ी इजी होती है एज़ कम्पेयर टू नर्सिंग होम। तो इसी टाइप के केयर होम होते हैं जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो इसके अंदर आपकी क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे इस वाली वीडियो के अंदर। तो चलिए इसको हम लोग शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपकी जो शिफ्ट होती है, नाइट शिफ्ट होती है, वो रात में 8 बजे स्टार्ट होती है। तो जैसे ही आप वहाँ पे 8 बजे जाते हैं तो आपको हैंडओवर लेना होता है। तो जैसे हॉस्पिटल मैंने आपको बताया था कि आपकी 7:30 बजे आपकी शिफ्ट स्टार्ट होगी 7:30 पे, पर यहाँ पे आपकी 8 o'clock आपकी शिफ्ट स्टार्ट होती है नाइट में। तो जैसे आप अपना हैंडओवर वगैरह लेते हैं उसके बाद अपना काम स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले आपको ओरल मेडिसिन करनी होती हैं, जितनी भी आपकी ओरल मेडिसिन होती हैं। तो ज़्यादातर केयर होम के अंदर सिर्फ ओरल मेडिसिन ही होती हैं, इसके अंदर कोई आपकी आईवी मेडिसिन नहीं होती है और सिर्फ खाली ओरल मेडिसिन ही होती हैं। और केयर होम के अंदर आपके पास कोई एक तरीके से कोई मेडिकल सपोर्ट नहीं होता है, जैसे कि आपको हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर्स मिलते हैं, ऑन ड्यूटी डॉक्टर्स होते हैं, आपकी सीनियर नर्सिस होती हैं, बैंड 6 होती है, बैंड 7 होते हैं वहाँ पे, और बाकी आपको काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलता है ऑन कॉल, आपको सब चीज़ों का सपोर्ट मिलता है। पर जो केयर होम होता है उसके अंदर जो आपकी नाइट शिफ्ट होगी तो आप वहाँ पर इंचार्ज होंगे, तो जो आप नर्सिंग इंचार्ज है वो सिर्फ आप ही रहेंगे वहाँ पे, बाकी सब वहाँ पे केयरर्स होते हैं और सीनियर केयरर्स होते हैं। तो जो सीनियर केयरर को जो कोऑर्डिनेट करता है और जो केयरर्स को कोऑर्डिनेट करता है, उनको उनकी जॉब्स बताता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताता है, उनको क्या क्या करना है थ्रू आउट द नाइट, वो एक जो नर्सिंग स्टाफ है वही बताता है। तो जो भी नर्सिंग स्टाफ है, चाहे वो बैंड 5, बैंड 6, बैंड 7 जो भी होता है, तो वो केयर होम के अंदर बैंड्स नहीं होते हैं, तो जो भी नाइट शिफ्ट होती है उसके अंदर खाली एक ही नर्सिंग स्टाफ होता है और वही बताता है कि आपको जो केयरर्स हैं और जो सीनियर केयरर्स हैं उनको क्या क्या काम करना होता है। तो ये आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है वहाँ पे कि आपको एज ए मैनेजर ही वहाँ पे रहना पड़ेगा। तो काफ़ी सारे केयर होम्स के अंदर काफ़ी फ्लोर्स होते हैं, अलग अलग फ्लोर्स होते हैं, अलग अलग यूनिट्स होती हैं, तो हर यूनिट के अंदर एक मैनेजर होता है जो कि आप होंगे नाइट के, तो आप ही नर्सिंग इंचार्ज हैं वहाँ पे, तो आपको सारा काम आपको करना पड़ेगा। तो जो आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसके अंदर सबसे पहला रोल है कि आप मैनेजर हैं तो आपको सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ेंगी। दूसरा आता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी 8 बजे शिफ्ट स्टार्ट होती है, जिसके अंदर आप हैंडओवर लेने के बाद अपनी मेडिसिन स्टार्ट करते हैं, तो आपकी मेडिसिन खत्म होते होते आपको एक केयर होम में 10 पेशेंट मिल सकते हैं, 20 पेशेंट मिल सकते हैं। इसके अंदर पेशेंट रेशियो इतना ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि सिर्फ आपको वहाँ पे ओरल मेडिसिन करनी होती है और कुछ नहीं करना होता है। कोई पेशेंट अगर पैक फीड पे है तो आप उनको पैक फीड देंगे, या फिर कोई पेशेंट है एनजी ट्यूब पे है तो आप उसको एनजी फीड वगैरह ये सारी चीज़ें देंगे, बाकी आपका और कोई काम नहीं है वहाँ पे, कोई आईवी मेडिसिन वगैरह नहीं होती हैं। उसके बाद आप जब भी सारी मेडिसिन आपकी खत्म हो जाती हैं, 10:30 बजे आपका मेडिसिन खत्म हो जाती है, उसी समय पे जो केयरर्स होते हैं और सीनियर केयरर्स होते हैं वो पेशेंट की जो पर्सनल हाइजीन होती हैं उन पे काम करना स्टार्ट कर देते हैं, पेशेंट को बेड में वापस लेटाना, क्योंकि पेशेंट जो होते हैं वो जो केयर होम होता है इसके अंदर ऐसा होता है कि एक घर के जैसा ही होता है, वो उसके अंदर एक लॉन्ज होता है और वहीं पे सारे पेशेंट वगैरह होते हैं और एक डिनर टेबल होती है जहाँ पे वो लोग खाना वगैरह खाते हैं। हर पेशेंट का एक अपना पर्सनल रूम होता है, उस पर्सनल रूम के अंदर उनका बेड, टेबल, उनकी सब चीज़ें होती हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगा ये सारी चीज़ें एक केयर होम में जाके कि कैसी कैसी चीज़ें होती हैं, चाहे कहाँ पर ये लोग खाना खाते हैं और कैसा होता है। तो जो भी नर्सेज इंडिया से आ रही हैं यहाँ पर काम करने के लिए खासकर केयर होम के अंदर, तो उनको इस चीज़ का पता चल जाएगा कि केयर होम क्या होता है और उसके अंदर कैसे कैसे काम होता है और कैसा उसका पूरा सेटअप होता है। तो जो भी केयरर्स होते हैं, सीनियर केयरर्स होते हैं, वो पेशेंट के जो पैड चेंज वगैरह पैड चेंज होते हैं जो कि अपने इंडिया में डायपर्स होते हैं, सारी चीज़ें आप जो आपके केयरर्स होते हैं और आपके जो सीनियर केयरर्स होते हैं सारी चीज़ें चेंज करते हैं, उनको कंफर्टेबली बेड में लेटाते हैं और सोने से पहले जो भी आपकी जो भी केयर है वो सारी चीज़ें करते हैं, और 8 बजे के बाद उनका जो भी आपका उनका डिनर का टाइम है वो उनका डिनर वगैरह कराते हैं, सफ़र कराते हैं, और वो सब चीज़ें आपकी खत्म होने के बाद आपने जैसे आपकी मेडिसिन है वो 10:30 बजे आपकी खत्म हो जाती है। तो उसके बाद आपको जो भी कंप्यूटर पर कुछ काम है या फिर कोई डॉक्यूमेंटेशन है
आप वो सारा काम कर लें और उसमें आपका जैसे अगर आप 8:30 बजे स्टार्ट करते हैं तो 10 बजे तक आपकी सारी चीज़ें आपकी खत्म हो जाती हैं, तो 10 बजे के बाद आपका फिर कोई काम नहीं रहता है, आपको खाली यही कोऑर्डिनेट करना है। ज़्यादातर जो केयरर्स होते हैं वो एक्सपीरियंस्ड होते हैं और जो सीनियर केयरर्स होते हैं वो एक्सपीरियंस्ड होते हैं, तो उनको पता है कि उनको क्या काम करना होता है। अगर उनको नहीं पता है और काफ़ी थोड़ा स्टाफ कोऑर्डिनेशन थोड़ा अच्छा नहीं है तो आप उनको बताएंगे कि उनको सुबह सुबह कैसे कैसे केयर करनी है और कैसे कैसे सारी चीज़ें करनी है, तो वो सारी चीज़ें आप उनको बताएंगे और उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आप उनको सारी चीज़ें उनको बता सकते हैं। उसके बाद जो भी कंप्यूटर पर कोई काम होता है जैसे कि मॉर्निंग में आपको हैंडओवर देना होगा तो आप वो हैंडओवर अपना टाइप कर सकते हैं वहाँ पे, और पेशेंट के बारे में अगर आपको जानना है तो आप उन पेशेंट के बारे में देख सकते हैं। अगर वहाँ पे आप परमानेंट वर्कर हैं तो जो प्लान ऑफ केयर है उनका वो आप डिज़ाइन कर सकते हैं, क्योंकि रात में पूरा टाइम आपका रहता है, 10:30 बजे के बाद आप फ्री ही रहते हैं। उसके बाद ये थ्रू आउट द नाइट आप जितना भी आपको जो मैनेजरल वर्क है आप ये सारा कर सकते हैं, और काफ़ी अच्छा है क्योंकि जब केयरर्स होते हैं वो काफ़ी सपोर्टिव होते हैं, जो सीनियर केयरर्स होते हैं वो काफ़ी सपोर्टिव होते हैं। सिर्फ आपको मेडिसिन के अलावा वहाँ पे और कुछ भी नहीं करना है। अगर आप चाहें अपनी साइड से टीम वर्क की तरफ से तो आप उनकी मदद कर सकते हैं, और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप अपना काम पहले आप कंप्लीट करें उसके बाद ही आप हेल्प की सोचें। तो जैसे ही आपकी सारी चीज़ें आपकी ख़त्म होती हैं तो उसके बाद जो पेशेंट होते हैं वो सो जाते हैं, और सुबह 6 बजे जितने भी केयरर्स होते हैं सीनियर केयरर्स होते हैं ये सारे उठ के और उन पेशेंट को सुबह जो मॉर्निंग की बात होती है, जो पेशेंट वॉश होता है, ये सारी चीज़ें करवाते हैं। और ये सारी चीज़ें करने के बाद जैसे ही पेशेंट फ्री हो जाते हैं इन सब चीज़ों से तो वो वहाँ पे लॉन्च में वापस आ जाते हैं और वहाँ पे आके बैठ जाते हैं, जहाँ पे आप आपकी जो मॉर्निंग की जो मेडिसिन होती है जो कि काफ़ी कम होती है, 1 या 2 पेशेंट्स की ही होती हैं, वो आप देते हैं वहाँ पे। और वो सारी चीज़ें देने के बाद जो आपका जो नर्सिंग आपका जो इसमें ये और अच्छी चीज़ है कि जो भी नर्सेज रहती हैं उनकी एक पर्सनल एक ऑफिस होता है, उनका एक पर्सनल एक रूम होता है, जो कि मैं अपनी वीडियो में जैसे मैं बता रहा हूँ आपको कि मैं दिखाऊंगा ज़रूर आप लोगों को कैसा होता है। तो उसके अंदर आपका सारी चीज़ें आपकी सारी चीज़ें होती हैं, आपका जो मेडिसिन कवर्ड होती है वो अलग होती है जहाँ से आप मेडिसिन लेते हैं। तो हर रूम के बाहर आपको अपनी ट्रॉली लेके जानी है जब भी आप मेडिसिन देते हैं, और पेशेंट का नाम वगैरह कन्फर्म करना है, और ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे अपने जो मेडिसिन है वो डिस्पेंड करते हैं। बस ये मेडिसिन की जो मेन चीज़ है आपकी यहाँ पे मेडिसिन ही है, आपको सिर्फ मेडिसिन ही वहाँ पे देनी है, और बस यही चीज़ें हैं। और जब भी आप मेडिसिन देंगे तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो भी सारे आर्स हैं आपके, राइट ड्रग, राइट रूट, राइट डोज, ये सारी चीज़ें आप चेक करें, क्योंकि आपको सिर्फ एक ही काम दिया जा रहा है उसको आपको एकदम परफेक्टली करना है, उसके अंदर कोई एरर नहीं होना चाहिए। प्लीज़ आप ये वाला जो काम है वो आप सही से करें। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे जो केयरर्स होते हैं मॉर्निंग केयर देने के बाद फ्री हो जाते हैं, सारे पेशेंट आ जाते हैं, तो उनको आपको सिर्फ मेडिसिन देनी होती है। फिर मेडिसिन देने के बाद आप अपने अपने ऑफिस में जाएंगे, वहाँ पे जो भी आपका काम इनकम्प्लीट है जैसे कि आपका जो हैंड ओवर इनकम्प्लीट है या फिर कोई चीज़ें इनकम्प्लीट है, कोई डॉक्यूमेंटेशन इनकम्प्लीट है, तो आप वो सारी चीज़ें करेंगे, आपके केयर प्लान है वो इनकम्प्लीट है, वो आप करने के बाद आप फ्री हो जाएंगे। 7:30 से 8 बजे तक आपके जो नेक्स्ट जो आपकी नर्स होती है, जो मॉर्निंग नर्स होती है वो आ जाती है, या आपकी 12 घंटे की शिफ्ट होती है, शाम को 8 बजे से स्टार्ट होगी और सुबह 8 बजे तक आपकी रहती है, तो आपकी जो नर्स होती है वो आती हैं आपसे हैंड ओवर लेती हैं। तो कुल मिला के जो भी केयर होम होते हैं इसके अंदर जितने भी पेशेंट होते हैं ज़्यादातर वो डिमेंशिया के होते हैं या फिर अल्जाइमर्स के होते हैं, जितने भी मेंटल थोड़ी मेंटल कंडीशंस हैं जो कि एबनॉर्मलिटीज़ हैं उनके ज़्यादा पेशेंट होते हैं, या फिर थोड़े एल्डरली होते हैं जो कि खुद का ध्यान नहीं रख पाते या फिर खुद की केयर नहीं कर पाते हैं, जो भी डिपेंडेंट ज़्यादातर पेशेंट्स होते हैं वो ही केयर होम के अंदर होते हैं। और ज़्यादातर जो ज़्यादा नर्सिंग नीड्स वाले जो पेशेंट होते हैं वो हॉस्पिटल्स के अंदर होते हैं। तो केयर होम में काम करने का एक ये भी फायदा है कि इसके अंदर जो आपको पेशेंट मिलेंगे वो इतने सीरियस नहीं होते हैं। काफ़ी सारे पेशेंट्स एंड ऑफ लाइफ केयर पे होते हैं पर उनका जो डू नॉट रेसिस्टेट का जो फॉर्म होता है सारी चीज़ें आपके पास वहाँ पे अवेलेबल रहती हैं, और ऑन कॉल पे एम्बुलेंस अवेलेबल रहती है, और जितनी भी मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो सारी चीज़ें आपके पास वहाँ पे अवेलेबल रहती हैं। अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता है कि ये सिचुएशन आपके कंट्रोल से बाहर है तो आप तुरंत हॉस्पिटल में फ़ोन कर सकते हैं 999 पे या फिर 111 पे आप कॉल करके आप एम्बुलेंस बुला सकते हैं और पेशेंट को एडमिट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है वहाँ पे, तो आपको इतना सोचना नहीं है उसके अंदर, आपको सिर्फ कॉल करना है और जो सर्विस है आपकी जो मेडिकल सर्विस है वो आपके पास वहाँ पे आ जाएगी। और बस यही है थ्रू आउट द नाइट। काफ़ी सारे लोग ये सोचते हैं कि आप अकेले वहाँ पे नर्स रहते हैं थ्रू आउट द नाइट तो काफ़ी मुश्किल रहता होगा, पर जब आप वहाँ पे करेंगे तो आपको पसंद आने लग जाएगा क्योंकि वहाँ पे इतना हेक्टिक नहीं है और इतना ज़्यादा वर्कलोड भी इतना नहीं है। बाकी जो केयरर्स और सीनियर केयरर्स होते हैं उनका काम होता है जो भी आपके जो पैड चेंज वगैरह हो गए, जो पेशेंट की पर्सनल हाइजीन हो गई, पेशेंट बात हो गया, पेशेंट की पोजीशन हो गई, ये सारी चीज़ें उनके पास होती हैं, ये सारा काम उनका होता है। और बाकी एज ए टीम वर्क आप भी उनकी मदद कर सकते हैं क्योंकि ये आपकी भी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आता है, जैसे कि मैंने काफ़ी सारी वीडियोज़ में आपको बताया है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो केयर होम की जो नाइट शिफ्ट होती है वो कैसी होती है, और जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी या फिर उससे नेक्स्ट वाली जो वीडियो होगी उसके अंदर मैं आपको केयर होम जरूर दिखाऊंगा ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि जो कैसा सेटअप कैसा होता है केयर होम का, और अगर आप लोगों को दिखाने में और आप लोगों को देखने में काफ़ी अच्छा लगेगा कि यहाँ का जो सेटअप है जो केयर होम का वो कैसा होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वाली वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और इन्फॉर्मेटिव होगी। तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच, आपने हमें इतना टाइम दिया, धन्यवाद।